हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। ये जो है पिछले व्लॉग से ही आगे का कंटिन्यू व्लॉग है। हम पहुंच गए थे श्रीशैलम। गुड मॉर्निंग। अब हम आपको जैसा पता ही है कि ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए हम आज यहाँ से तैयार होकर हम निकल रहे हैं। दर्शन होते हैं किस प्रकार से हम दर्शन करते हैं, क्योंकि अलग अलग टाइप के दर्शन हैं। अभी हम लोग लेट पहुँचे हैं, तो नहा धो के हम लोग निकले हैं, तो अभी हम पता करते हैं। दर्शन अभी हो गए हमारे, तो बढ़िया दिखते हैं किस तरीके से आपके साथ सब शेयर करेंगे। बने रहिए, जो नए हैं लाइक कर दीजिए सब। तो जो है यहाँ पर तक आप देख चुके थे, अब हम निकले हैं मंदिर दर्शन के लिए। और ये जो है यहाँ के बाहर का व्यू है। और यहाँ आपको पारंपरिक परिधान में जाना होता है। जो जेंट्स हैं उनको आप धोती में जाना होता है, धोती कुर्ता, और लेडीज़ को अपनी साड़ी में जाना होता है। पेंट कमीज़ में आप यहाँ पर नहीं जा सकते हैं। और एक बात मैं आपको और बता देती हूँ, जब आप मुख्य दर्शन के लिए, आप स्पर्श दर्शन के लिए जब आप जाते हैं, तो आपको ये जेंट्स लोगों को जो है ऊपर वाला जो है कुर्ता भी आपको उतार के जाना पड़ता है। जो मेन दर्शन होता अभी पैसा से गार्ड का ना 2 बजे जाके फ्री से होने का। तो 2 बजे के लिए लाइन अभी लगानी पड़ेगी। लाइन रहता वो 1 बजे से लाइन रखना पड़ेगा अभी। नहीं अच्छा, अब जाना गए तो पैसे लगा के जाना, नहीं मामूल दर्शन होता फ्री से। अच्छा, दूर से करने का। अच्छा, दूर से करके नहीं उधर खाना खा के फिर जाना है तो जा सकते हैं। 2 बजे फ्री दर्शन उधर खाना रहता मंदिर में। मंदिर में हम लोग पीछे हटा। अच्छा, खाना खा के जा सकते हैं। नहीं 2 बजे तक क्या साइट सीन घूमते गए तो आ जाओ, साइट सीन घुमाते हैं। कहाँ कहाँ घुमाओगे? साक्षी गणेश धाम और हटकेश्वर। हटकेश्वर तो दोस्तों ये हमें बता रहे थे कि कहाँ कहाँ आप विजिट कर सकते हैं, और उसके रेट भी आपको इन्होंने सब जगह के बता हाँ। दिए हैं। और ये हम आ गए हैं बिल्कुल पोशाक तो ट्रेडिशनली रहेगी मंदिर के पास। और यहाँ पर जो आपको ये एक स्तंभ दिखाई दे रहा है, तुम्हें ठीक लगता है अभी करते हो अभी कर लो, सुबह करते हो वैसे वाले दर्शन सुबह कर लो। ये गेट है कि उधर भी भीड़ हो रही, देखो वो। तो यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड से चर्चा कर रही थी कि आप दर्शन किस तरीके से और कब कब करना चाहते हैं कि, और अभी जो है दर्शन के लिए हम जा रहे हैं, जो फ्री में दर्शन होंगे हम टच नहीं कर पाएंगे। दर्शन हो गए, दर्शन ओके। बम बम बोले, तो दर्शन के लिए तपस्या करनी पड़ी जो है। हाँ, जो है कि 2 बजे से 4 बजे तक फ्री दर्शन होते हैं, स्पर्श दर्शन होते हैं। जो शिवशंकर को जो स्पर्श करते हैं 2 से 4 बजे तक, वो दर्शन होते हैं, है ना। हमने वो दर्शन किए, उसके लिए आपको थोड़ी देर लाइन में लगना पड़ा, और अब हम दर्शन कर चुके हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ पीछे का, ये यहाँ से अभी फिर से लाइन लग चुकी है। ये जो लेटे हुए हैं ये सब लाइन वाले हैं। ये दर्शन हमने, जो मैं बता रही हूँ आपको, ये हमने दोबारा किए थे सुबह जब हम आए, तो फ्री दर्शन हमने सुबह भी किए जो दूर से किए। हमारी लाइन में कम से कम होंगे तो कितनी भीड़ होगी, बहुत भीड़ थी, 1000 से ज़्यादा लोग होंगे, लेकिन दर्शन आराम से हो गए। इस पर से दर्शन बोलते हैं यहाँ की, शिव जी को आप टच कर सकते हैं। और हम कर चुके हैं 2 बार दर्शन, एक बार हम सुबह कर चुके हैं और एक बार हम अभी कर चुके हैं। अब लगता है कल सुबह एक बार फिर करेंगे। भोलेनाथ ने दिए दर्शन तो हम फिर से करेंगे कल सुबह दर्शन। करोगे कल सुबह दर्शन? थके नहीं? अभी हम थोड़ा घूमते हैं, थके नहीं है। यहाँ पर गर्मी है काफ़ी, बहुत गर्म, हमारे लिए तो बहुत गर्म है ना। अभी देखो ये लाइन लगी हुई है। ये सभी फ्री दर्शनों के लिए हैं, जो कि 2 बजे से फ्री दर्शन
होते हैं यहाँ पर, और जो कि मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक 2 बजे से फ्री दर्शन होते हैं 4 बजे तक, जैसा कि हमें बताया था। और हमने भी कोशिश करी तो हमें फ्री में स्पर्श दर्शन हो गए और आराम से हो गए। हालांकि लोग बहुत थे, बहुत भीड़ थी, लेकिन फिर भी जब मन में इच्छा है तो दर्शन तो देते ही हैं भोलेनाथ। और मेरी बिंदी, पसीने से मेरी बिंदी गिर गई है, तो मैं यहाँ पर बिंदी देख रही हूँ, नहीं तो अब मैं इंगूरी लगा ली। बिंदी नहीं है इनके पास, चलो हो गया। और आपको यहाँ पर थोड़ा सा लैंग्वेज प्रॉब्लम हो सकती है, हालांकि लोग हिंदी यहाँ पर समझते हैं और बहुत कुछ बोलते भी हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो लैंग्वेज प्रॉब्लम दूसरी जगह में, साउथ में हम लोगों को रहती है। अब हम जा रहे हैं, यहाँ पर जो हम आपको दिखा रहे हैं ये गेट, ये पहले यहाँ पर से ही जाने का रास्ता था मेन मंदिर के लिए। अब जो है जहाँ पर मैंने आपको दिखाया भीड़ लगी हुई है, वहाँ से जाते हैं, क्योंकि वो जिग जैग करके जो कि लगी हुई है ना, जैसे लाइन कतार के लिए, क्यू के लिए जो बने होते हैं बैरिकेड्स, वो वहाँ से बनाए गए हैं। और यहाँ पर जो है ये पहले से यहाँ से जाने का रास्ता है, ये जो गेट दिख रहा है आपको जहाँ पर लोग खड़े हैं, ये तो ये यहाँ से अंदर आपको मैं दिखाती हूँ। सामने आप देख रहे होंगे दूर पे वो जो है श्रीशैलम मल्लिकार्जुनम का मेन मंदिर है। पहले इतनी नज़दीक ही था, जब भीड़ यहाँ पर इतनी होती है, क्योंकि यहाँ जो है इसको साउथ का कैलाश कहा जाता है, और बहुत इतने ज्योतिर्लिंग भोलेनाथ की कृपा से हमने कर लिए हैं, लेकिन इतनी भीड़ हमने पहली बार यहाँ देखी, एक केदारनाथ में देखी और दूसरा यहाँ पर। तो दोस्तों रेस्ट करने के बाद, खाना वाना खाने के बाद, अब हम जा रहे हैं साक्षी गणेश। तो साक्षी गणेश जी के बारे में मान्यता है मल्लिकार्जुन दर्शन करने के बाद आपको भगवान गणेश के पास जरूर जाना होता है, वो साक्षी होते हैं कि आप यहाँ आए थे। क्या उसका नंबर देख लो, हाँ मैं कह रही हूँ ऑटो वाले का नंबर ले लो। हमारे साथ जो दो बच्चे भी आए हैं ना, वो कह रहे हैं उसको अभी हमने पैसे तो दिए ही नहीं है, हालांकि ये एक मजाक है, क्योंकि हम भगवान के दर्शन करने आए हैं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। साक्षी गणपति जिसके बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ आके साक्षी गणपति के दर्शन करने बहुत जरूरी है। श्री साक्षी गणपति आलियम तो दोस्तों शाम का समय है, यहाँ भी भीड़ है लेकिन उतनी भीड़ नहीं है। लोग जैसे जैसे मल्लिकार्जुन के दर्शन करते हैं, वैसे उसके बाद वो साक्षी गणपति जी के दर्शन करने यहाँ पर ज़रूर आते हैं। आप देखिए यहाँ पर आपको सब लोग एक ही वस्त्र में मिलेंगे, ये लोग एक वस्त्र में यानी कि एक धोती में दर्शन करते हैं। अब हम दर्शन करने के बाद हम आ गए हैं यहाँ पर, यहाँ से नीचे जो सीढ़ियाँ जा रही हैं पाताल गंगा जा रही हैं, सीटें मारे हमने। तो दोस्तों हम लोग पाताल गंगा नहीं जा पाए, शाम का समय था क्योंकि ट्रॉली का टाइम जो है वो बंद हो गया था ट्रॉली, और हमने यहीं से दर्शन करके, हमारे पास यहाँ पर एक ही दिन था, दूसरे दिन हमको यहाँ से निकलना है। हम लोग फ़ोटो वगैरह खींच के, और यहीं पर हमारा गेस्ट हाउस था तो इसके पास में ही हम लोग अब निकले हैं डिनर के लिए। और डिनर के लिए तो यहाँ काफ़ी अच्छी व्यवस्था है आपके रहने की, धर्मशाला टाइप के ये गेस्ट हाउस बने हुए हैं। अब हो चुकी है शाम, हम चलते हैं वॉकिंग डिस्टेंस में यहाँ खाने के लिए, किसी ने हमको बताया होटल है, और ये कुछ गणेश फूड नाम करके ये होटल है, और हम भी अब खाने का ऑर्डर दे देते हैं। 8 करीब बज चुके हैं हमें, खाना खा के हम करेंगे रेस्ट, कल फिर तो कल हमारी फिर से यात्रा शुरू होएगी। तो हस्बैंड यहाँ पर सूप का भक्षण कर रहे हैं। श्री शैलम में पहला दिन समाप्त होने को आया, आज सुबह पहुँचे हम, तो अभी हम कर रहे हैं डिनर। तो गाइस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये है क्या, गणेश फूड है, और इनका है ये खाना, ये साउथ इंडियन रोटी के साथ आया है, साउथ इंडियन रोटी, और इनकी ये सब्जी है, और हमने ऑर्डर किया है मिक्स वेज और सूप, और ये कुलचा, आलू कुलचा। चलिए खा ले। और इसी के साथ मैं यहीं पर इस ब्लॉग का एंड करती हूँ। आशा है हमारी आगे की यात्रा भी में भी आप हमारे साथ बने रहेंगे। जो नए हैं प्लीज़ पसंद आया हो ब्लॉग को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, आपका सपोर्ट मिलेगा ऐसी हम आशा करते हैं। थैंक यू।